हाफिज अब्दुल्ला का क्या किस्सा है? क्या हुआ? 30-40 साल के बाद एक आदमी जो है वो किस तरह से पाकिस्तान सेनेटर रह चुका है, हाफिज अब्दुल्ला मिनिस्टर है, हाफिज जो है अब्दुल्ला सब जो है वो मिनिस्टर वो रह चुके हैं, वो सेनेटर रह चुके हैं, वाइफ उनकी पाकिस्तानी है, वो ऑल ओवर कैसे गैर पाकिस्तानी? गवाह हूं एक दो टीवी टॉक शोज में उन्होंने नालायक लोग हैं, नालायक सुन तो लेना, अच्छा मुझे बोलने देना या इनसे बात कर, सुन तो लेना, एक्सक्यूज नहीं हो सकता, सुन तो ले, इस्तान होगी जिसे शहरियत तो कैंसिल, आप मेरी शहरियत ही, आप मुझे कहेंगे कि आप इंडिया से, आप मुझे कहेंगे कि आप, बात तो सुन लेना, मैं आपकी तरफ बोलता हूं ना, इजी देना ये कोई नहीं, तो आवाम ये नहीं देखना चाहती आप ज्यादा चीखती हैं या मैं चीखती हूं, एक सेकंड बोलने देना, मैं आर्गुमेंट ही देने लगा हूं, मैं आर्गुमेंट देने लगा हूं, जब आप बैठकर नेशनल टीवी पे रियासत से टकराने की बात करेंगे तो वो क्या होगा उसके साथ, आप मुझे बताएं ना, जब आप रियासत को थ्रेट देंगे, आप अपने इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपने चले आपने आपने बड़ा एक अहम, बड़ी अहम चीज है, आपने आपने सही नुक्ता उठाया है, आपने सही नुक्ता, लोग इतने सादा हैं, आप लोग इतने सादा हैं कि खुद आपके सामने मौलाना ने माना है, अकरम दुरानी साहब ने माना है कि जी हमें H9 पार्क चाहिए था, आपने उनको परेड ग्राउंड ऑफर किया, उन्होंने परेड ग्राउंड नहीं लिया, अब आप देखें जो चीज समझ ही नहीं आई, पता नहीं इस्लामाबाद की इंतजामिया की क्या थिंकिंग है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे बैठा है तो कुछ जज साहिबान या सरकारी मुलाजमीन सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, ठीक है, इस्लामाबाद के लोगों का कोई लेना देना नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से, या डी चौक की सड़क तो वैसे ही साल में 6 महीने बंद रहती है, आप उनको ला के वहाँ बिठा रहे हैं जहाँ से कॉमन शहरियों ने गुजरना है, एयरपोर्ट के लिए, बस स्टेशन के लिए, पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में उन्होंने डिपोज में जाना है, दो जो सबसे बड़ी आर्टरीज हैं, एक आगाशाही एवेन्यू और एक कश्मीर रोड, वहां पे लाके आप लोगों को बुला के यहाँ बिठा रहे हैं जो यहाँ के बाशिंदे भी नहीं है, उनको तौर तरीके भी यहाँ के नहीं पता, वहां से आपको बैठा, एक आपकी कैलकुलेशन, तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी कैलकुलेशन आपकी जगह ठीक होगी, लेकिन वो क्यों लिया, क्यों लिया उन्होंने परेड ग्राउंड, आप चला मुझे बता दें, वो डीपीयू देखिए वो एक चीज मस्जिद थी, शायद आप हमें बता दें कि अकरम दुरानी साहब जब कहते हैं कि हमें परेड ग्राउंड नहीं लिया, जो बड़ी सेंट्रल जगह है इस्लामाबाद, मुझे बोलने दीजिए, जहाँ पीटीआई ने अपना धरना और जलसा किया था, आपको क्या समझ आती है, मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ, क्या समझ आती है वो एक सेंटर पे आके बैठ गए इस्लामाबाद के F9 की जो आगाशाही सड़क है और जो कश्मीर रोड है उसके करीब आके अगर वो बैठे हैं क्या वजह है? अच्छा मेरी बात सुने, मेरा एक सवाल है कि इनकी नालायकी और ना अहली यहां पे भी साबित हो गई है, जितने कि ये नालायक और ना है लेना वो यहां पे भी साबित हो गई, मुईद इनको इतनी अकल समझ नहीं थी कि जब अगर इनके हिसाब से यकीन कर लें, अगर आप सबका भी एतबार कर लें कि 20-25 हजार लोग अभी हैं तो पंजाब से गुजरते हुए इनके साथ मजीद और लोग होंगे, चले लाखों ना सही 1 लाख सही 50 हजार लोग भी, इनकी इतनी नालायकी है कि इन्हें ये समझ नहीं आई कि अगर 50 लाख लोग 50 हजार लोग आके कहीं बैठ भी जाते हैं तो वहां उतनी गुंजाइश ही नहीं है, तो वो सब कुछ ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, इन्होंने जिन्होंने उस अग्रीमेंट पे साइन किया वहां इनकी भी ना लायकी है, मैंने ये नहीं कहा कि गुंजाइश नहीं है, पार्क तो बहुत बड़ा है, मैं तो कह रहा हूं अगर वो सड़क पे आ जाएंगे, नहीं जी जितनी लोगों की तादाद आ रही है ये इनके वहमों को, अगर देखें अगर लोग नहीं हैं साथ तो मीडिया को इजाजत क्यों नहीं मिल रही, आपने तो पहला धरना जो था इनका जो इन्होंने रीत रखी थी वो 24-24 घंटे कवर किया है, खाली कुर्सियां भी दिखाते रहे, इमरान न्याजी साहब को कंटेनर पर टहलते हुए भी दिखाते रहे, तो अब क्या परेशानी है, अब दिखाएं कि कितने लोग आ रहे हैं, पीछे कितने होंगे, 2000 हैं, 5000 हैं, बकौल इनके 15-20 हजार लोग हैं, तो वो दिखाना चाहिए ना मीडिया को, ये कदगन नहीं होनी चाहिए, लोगों को खुद असेस करने दें कि नहीं है भाई कोई सपोर्ट मौलाना साहब की या PMLN या पीपल्स पार्टी, जवाब दे रही इसका, मकसद इतने कोई जवाब नहीं कहूंगा जो आप देखें पाकिस्तानी सुन रहे हैं, और मैं पाकिस्तानियों से यही कहूंगा कि आप PMLN का माइंड सेट देख सकते हैं कि इनको धरने की इजाजत दे दी, इनको हमने जलसे की इजाजत दे दी, एहतजाज की इजाजत दे दी, अब उसके ऊपर भी नालायकी और ये सब चीजें साबित कर रहे हैं कि शायद हमने इनको फंसा लिया है और ये नालायक है, इनका माइंड सेट आप देखें, एक तरफ इनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने इनके साथ प्रॉपर मुआयदा किया, इनको इजाजत दी है, एक जमहूरी पार्टी और एक जमहूरी हुकूमत का किरदार अदा किया है, और ये जो एक चूरन बेच रहे थे इतने हफ्तों से बड़े होफजद हैं जी, इन्होंने रोक देना है, इन्होंने ये कर देना है, वो कर देना, और कुछ नहीं हम कर रहे, आने दे रहे हैं,
बहुत बड़ा पंडाल है शायस्ता साहब, अरेस्ट हो चुके हैं आप लोग, फिक्र नहीं करें, अचानक से जो है वो गैर काफी बड़ी जगह है, इससे ज्यादा मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग सुकून करेंगे। दूसरा डॉक्टर साहब, बावजूद ये पीसफुल है, उसके बावजूद जेयूएफ ने वो पीसफुल तरीके से कर रहे हैं वो। हां ये जो हम स्क्रीन पे दिखा दूं, मैं चाहूंगा कि प्रोड्यूसर सब दिखा दें, जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला इस्लामाबाद में हुआ है रैली के हवाले से। इसकी पहली कंडीशन ये है कि फरीक अव्वल जो कि डिप्टी कमिश्नर है उसकी जानब से रैली के शुरका के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी और ना ही रैली के शुरका के खाने की तरसील मुअत्तल की जाएगी। ये वो कंडीशन है, आने दिया जाएगा तो वो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है कि ये आ रहे हैं, खुल्लम खुल्ला आ रहे हैं, आसानी से आ रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा। दूसरी कंडीशन यह है कि फरीक दोम यानी जमीयत उलमा इस्लाम ये बात यकीनी बनाएगा कि तमाम शहरियों के बुनियादी हकूक सलब ना हों, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस नंबर देते में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किए हैं। और फरीक दोम की जिम्मेदारी होगी कि जलसे के शुरका मुख्तस करदा जगह और मुकाम की हदूद से गैर कानूनी तौर पर बाहर ना जाएं। और अब ये यहाँ पे मैं सवाल रेज करना चाहता हूँ सेनेटर ससी पलोरे साहब, अगर ये फरीक दोम जमीयत उलमा इस्लाम ये दूसरी जो कंडीशन है जिसकी उन्होंने लीगल गारंटी दी है, रिटन साइन किए हुए हैं रहबर कमेटी के बिहाफ है, और इस पर ज़ाहिर ना पीपल्स पार्टी के साइन है ना PMLN के साइन, ये इसकी वॉयलेशन करते हैं, ये यहाँ से बाहर निकलते हैं और हमारी जो मेजर दो आर्टरीज हैं, कश्मीर रोड है जो हमें एयरपोर्ट से पिंडी से कनेक्ट करती है और दूसरी हमारी आगाशाही रोड है जो हमें पिंडी से कनेक्ट करती है, जिसमें से हज़ारों लोगों ने सुबह आना है, स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बिजनेसेस, उसको अगर ये इंटरफेयर करते हैं तो फिर उस पर PPP की क्या पोजिशन है? मेरे ख्याल में ये नहीं करेंगे, कोशिश आप उनको रोकेंगे, उनसे अलग हो जाएंगे उस मौके पे, क्या करेंगे? व्हाट्स योर पोजीशन ऑन दैट? बात तो मुझे करने दे, लास्ट क्वेश्चन में भी आपने पार्टी का स्टांस पूछा तो मैं उसको पता है, मैं तो सिंपल उर्दू बोल रहा हूं, पर ऑल ऑफ अ सडन यू जस्ट स्टॉप मी। नो नो नो, ओके, ये सारे सवाल मेरे ख्याल में काफी सवाल है कि ये आ जाते हैं, सड़क बंद कर देते हैं। सुने तो सेना जिस तरीके से सेंस से निकले हैं उसमें आपने देखा कि अगर हमने उनको नहीं रोका है, आपने देखा सिंध गवर्नमेंट ने कहीं भी उनको नहीं रोका है और वो बड़े पीसफुल तरीके से आ रहे हैं, और वही तरीक़ेकार अगर पंजाब और सिंध के जो सरहद है, ऑब्वियसली दे आर अबाउट टू क्रॉस दैट जो है कल या आज कर लिया, यहाँ आ गए इस्लामाबाद में, मैं तो इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, लेकिन उस पार्क में बैठ गए। मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे वो जो एक शरारत है इस गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, जो वट एवर आई बीन हियरिंग के भाई, या हम जो सुन रहे हैं कि वो ऑब्स्टिकल्स और कुछ हर्डल्स पैदा करने की कोशिश करेंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। अच्छा। ये गवर्नमेंट अब भी आ जाएंगे वो, क्योंकि KPK के जो खैबर पख्तूनख्वा, पूरा नाम लेना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो इतने डरे हुए हैं, वो तो पहले से कह चुके हैं कि हम तो वहां से, अब सिंध ने तो कोई उसमें मसला क्रिएट नहीं किया। सर साहब, ये तो एक मफरूजे हुए बातें हैं ना, कभी मफरूजे नहीं, कभी किसी, प्रैक्टिकली वी हैव सीन विद आवर ओन आईज दैट यू नो दैट दे हैव मूव्ड, और उसमें जो है कहीं भी कोई भी। अच्छा डॉक्टर साहब, यानी क्या है, ये कहते हैं कि आपकी प्लानिंग ये है कि नहीं आने देंगे, मैं मुझे जो समझ आया बेहतर है आप इनको मुआहदे की कॉपी दे दें जिसमें कैटेगोरिकली लिखा है इनको फ्री एंड देंगे, आने देंगे अब जितनी तादाद में आना चाहते हैं आए, जो जगह जिसका तायुन जब किया एक गया वायदा आप सामने आ चुका है उसके बाद तो बस, तो उनका ये राइट बनता है आकर अपना मुजाहरा करें, अपना जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और उसमें जलसा करें या मार्च करें या जो भी है, उसमें वो ना हथियार इस्तेमाल करेंगे और वो कर भी नहीं रहे, और जिस तरीके से आ रहे हैं मैं फिर से कह रही हूँ बड़ा पीसफुल तरीके का आ रहे, अब ये आकर बीच में अगर उसमें शरारत करेंगे तो फिर सामने से भी देखे। आई डोंट एग्री विथ मौलाना साहब जो उनकी जो बेसिक आइडियोलॉजी है सियासी तरीके से मैनिफेस्टो पे, लेकिन ये जो फिर भी आप उनके साथ नहीं नहीं एज फार एज दिस मार्च इज कंसर्न, उस हवाले से या ज्वाइंट अपोजिशन में हमें, अब जहां तक मुझे पता है कि मौलाना साहब की पिछले एहतजाजों को देखते हुए उन्होंने कभी भी कोई भी वायलेशन नहीं की, कभी भी उन्होंने कानून हाथ में नहीं लिया, कभी भी वायलेशन नहीं की। शायस्ता परवेज मलिक करना चाह रहे हैं, देखिए डॉक्टर साहब, अब ये मुआयदा होने के बाद मैं समझता हूं कि जब आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल सेक्रेटरी जो मुफ्ती अब्दुल्ला है उनके दरमियान JUI में जो मुआयदा हुआ है उसके बाद अब सारा बार जो है हम तो आने देंगे और आ भी रहे हैं, अब इन पे चला गया कि इन्होंने पुरअमन रहना है, जो मुआहदे में इन्होंने साइन किया है कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, आम शहरी के हकूक सलब नहीं, ये इतना आसान नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है कि लोग स्कूल जा सकें, कॉलेज जा सकें,
दफ्तरों तक पहुंच सके, एयरपोर्ट पहुंच सके, अस्पताल जा सके, नस्लब करेंगे, कानून हाथ में लेंगे, फिर कानून हरकत में आएगा, ये सब कुछ लिखा और ये एग्री किया इन्होंने कि अगर हम कानून हाथ में लेंगे आप हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर इस्तेमाल शहरी को खुदा ना आस्ता जानो माल को नुकसान पहुंचता है उस सिलसिले में भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की।